मुस्तकीम भाई जब एक्टिव थे कामकाज में, अभी फिलहाल तो है नहीं मौजूद, उनके पास बहुत से काम काज लेकर लोग आया करते थे, लेकिन जब से वो शहर में है नहीं, मतलब वो कामकाज किसके पास लेके जाए, कैसे किए जाए। अक्सर जब भी हम आते थे मुस्तकीम भाई के पास, अगदी लगी रहती थी, तो उनको उनको लेकर आपका क्या संदेश रहेगा उनके कामकाज को लेकर? मुस्तकीम के नहीं रहने से लोगों को काम करने में रुकावट बहुत बड़ी आई है, ये बात सही है। असल में कॉरपोरेशन में इक्तदार वालों के पास भी लोग इतनी तादाद में काम के लिए नहीं आते हैं जितना हमारे पास हमारी ऑफिस पे आते थे, और तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश मुस्तकीम किया करते थे, हमारी पार्टी के दूसरे लोग भी किया करते थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मुस्तकीम की गाइडलाइंस ज़रूरी थी जिसकी वजह से काम में आसानी होती थी। लेकिन जो हालात आए उनसे तो निपटना पड़ेगा। जो लोग मुस्तकीम जिनके काम कर रहे थे या जिनको काम की हमसे हमेशा उम्मीद रहती है, वो अपने काम लेकर हमारे पास आए। मुस्तकीम भले ही नहीं है लेकिन हम उनके काम करने की पूरी कोशिश करेंगे, और काफ़ी दिनों से जब से मुस्तकीम गैर हाजिर हैं हम लोग काम कर ही रहे हैं। आपका ऑफिस टाइम वगैरह? मतलब मैं कॉरपोरेशन में दोपहर के बाद कॉरपोरेशन की ऑफिस पर रहती हूँ, इसके बाद हमारी जो शाम में मेरा वक्त फिक्स है हमारी राबता ऑफिस पे, वहाँ रहती हूँ। पहले मेरा 7 बजे से 9 बजे तक का राबता ऑफिस का टाइम था, लेकिन मुस्तकीम की गैर हाजिरी में मैं 10 बजे तक रहती हूँ, 11 बजे तक रहती हूँ। मुझे जितना काम की नौयत पे, अगर काम ज़्यादा आते हैं तो देर रात तक भी रहती हूँ। काम किसी के आने जाने से रुकेगा नहीं। जब साथी निहाल अहमद साहब थे, उनके जाने के बाद भी हमारे वर्कर हिम्मत नहीं हारे और काम करते रहे। बुलंद इकबाल के जाने के बाद भी नहीं हारे, तो मुस्तकीम तो कुछ दिन के वक्फे के लिए जेल में गए हैं, वो भी किसी तरह की चोरी चमारी के इल्ज़ाम में वो नहीं गए हैं। वो आहनते रसूल के ख़िलाफ़ जिन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, हमारा जमहूरी हक था, हमने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और पुलिस वालों ने और गवर्नमेंट ने जिस तरह के इल्ज़ाम लगा के, संगीन इल्ज़ाम लगा के बेगुनाह लोगों को महीने भर से ज़्यादा कैद करके रखा है, तो इसके हम इस तरीके से जेल में जाने को हम शान समझते हैं। और हम जो इस कमी, जो मालेगांव शहर में काम की कमी मुस्तकीम के गैर हाजिरी में हुई है, उसको पूरे पार्टी की तरफ से, वर्करों की तरफ से, कॉरपोरेटर की तरफ से पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुस्तकीम भाई की अगर बात की जाए तो हर छोटे मोटे कामों में वो एक्टिव रहा करते थे, पूरे शहर में कहीं ना कहीं उनकी कमी महसूस हो रही है, तो उनको पूरा करने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी पार्टी के जरिए? बिल्कुल पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात ये थी कि वो इतने काम संभाल लिया करते थे कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी सुस्ती रहा करती थी। अब उनके जाने के बाद एक फ़ायदा ये मैं मानूंगी कि भाई हमारे अंदर भी चुस्ती आ गई, हम भी काम की जिम्मेदारी को ज़्यादा समझ रहे हैं, हमारे जो वर्कर हैं वो ख़ुद भी अपने अंदर अपनी जिम्मेदारी बढ़ा लिए हैं। दूसरा ऐसा है कि आप ये समझ लो कि हम इक्तदार में नहीं हैं, इसके बावजूद भी मालेगांव शहर के लोगों को हमसे उम्मीद होती है काम की। ये उम्मीद अपोजिशन में रहते हुए हमसे लोग करते हैं, इतनी उम्मीद पोजिशन में रहने वालों से भी नहीं रखते हैं। मुस्तकीम के जाने के बाद ये बात का एहसास शहरियान को भी हो गया होगा कि अपोजिशन में रहने के बाद भी मुस्तकीम उनके कितने काम किया करते थे। मुस्तकीम भाई शाना बशाना आपके साथ खड़े रहे, आपने आप और आप मुस्तकीम भाई ने न जाने कितने शहर में कामकाज किए, तो आपको ऐसे उनके मतलब ऐसा कमज़ोर तो नहीं महसूस करने लग रहे ना? एक बात ऐसी है कि निजी तौर पे तो कमी का बहुत बड़ा एहसास है, ज़ाहरी तौर पे मेरे लिए मेरे भाई नहीं है, मेरे वालिद नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ा और इकलौता सहारा जो है वो मेरा शौहर है। निजी तौर से आप पूछेंगे तो ये बात मेरे लिए बहुत ही ये है कि मैं अकेली रहती हूँ, अपने बच्चों को संभालती हूँ, लेकिन मैं मेरी निजी ज़िंदगी ही सिर्फ ज़िंदगी नहीं है, मेरे लिए मेरी पार्टी के लोग हमसे उम्मीद रखने वालों की सारी जिम्मेदारी जो है वो मुझ पर है। मैं पार्टी की सदर हूँ और हमेशा से ये जिम्मेदारी मैं और मुस्तकीम मिलके हल करते थे। अब जब मुस्तकीम गैर हाजिर है तो मैं सिर्फ इस बात का मातम करूँ कि मेरे शौहर जेल में चले गए और न जाने वो कितने दिन रहेंगे, ये सोच के अगर मैं भी घर पर बैठ जाऊँ तो हमारे लोगों में एक तो काम भी रुक जाएगा, दूसरा नाउम्मीदी हो जाएगी। जो मैंने अपने बाप से सीखा है कि कुछ भी हो जाए आवाम में बेहिसी नहीं होना चाहिए, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं एहतजाज जो जहाँ गलत हो उसके ख़िलाफ़ बोले, ताकि
फिरका परस्ती करने वाले या जुल्म करने वाले अपने आप को बादशाह न समझ लें कि हम कुछ भी करेंगे, अब ये लोग कमज़ोर हो गए हैं या ये कुछ बोल नहीं सकते, इनके घर का फ़र्द जेल में है तो हम कुछ भी कर लें। हम लोग, मेरे पास रोज़ाना ऐसे लोग आते हैं जिनके कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि हमको पुलिस उठा के लेके जाएगी या हम हमारे साथ हमारे कोई घर के लोग जेल में हैं। मुझसे जो कोशिश हो सकती है मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मेरा शौहर आनते रसूल के ख़िलाफ़ बोलने में जेल में गया है। भले वक्त ज़्यादा लगेगा लेकिन वो बराबर आएंगे, और जब वो आएंगे तो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे, पहले से ज़्यादा ये उम्मीद करती हूँ।